नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है अमित शाह का बिहार दौरा, और इस पर जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आखिर अमित शाह बिहार दौरे पर क्यों आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये लोगों ने मिलकर कोई सर्वे किया है जिसमें महागठबंधन की 37 सीटें लोकसभा चुनाव में दिखाई गई है और 3 सीटों पर फाइट दिखाई दी गई है। और तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बेचैनी में है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। हमको जो पता चला है कि इन लोगों ने कोई सर्वे कराया है और सर्वे में से 37 सीटें जो है महागठबंधन को दिखाई गई हैं लोकसभा का, और 3 सीटों पर फाइट दिखाया गया है। अब सूचना मिली है कि शायद कंट्रोल जो है अमित शाह खुद लेना चाहते हैं, क्योंकि 2024 की बेचैनी है। हालांकि गृह मंत्री है, कहीं भी आए जाए उससे क्या लेना। सुधाकर सिंह जी को लेकर सर कुछ पत्र जो उन्होंने जवाब दिया, सर सुधाकर सिंह जी ने हम जवाब नहीं देखे, तो पार्टी के लोगों ने नोटिस किया है, अब पार्टी अपना देखेगी क्या करना नहीं करना। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना भाई, महागठबंधन में किसी भी नेताओं के खिलाफ बोलना ये महागठबंधन के लिए ठीक नहीं है। और कुछ लोग अगर इस तरह का बयानबाजी देते हैं तो उसमें तो साफ तौर पे महागठबंधन से रिलेटेड अगर कोई बयान है देना है तो उसके लिए राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी अधिकृत थे और हम अधिकृत थे। कब क्या नहीं हो रहा, अगर इस तरह का कोई काम करता है तो पार्टी तो कार्रवाई करती ही है ना।